हिंगनघाट का यश मोटवानी कल यूक्रेन से अपने गृह नगर हिंगनघाट पहुंचा। तब यश मोटवानी का यूक्रेन से भारत आने तक का क्या सफर रहा, इस बारे में उसके निवास पे जाके सविस्तार बातचीत की। इस वक्त हिंगनघाट के उप विभागीय अधिकारी शिल्पा सोनाले, तहसीलदार सतीश मसाल, नायब तहसीलदार शमशेर खान पठान ने यश से घर पे जाके मुलाकात की, उससे बातचीत की। तब यश ने रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद क्या है वहाँ हालात, यश मोटवानी की जुबानी सुनते हैं। सिटी में वो नीपरो नाम के एक शहर है और टेलीपैथ्रोविक्स एक स्टेट है, उसमें नीपरो नाम का एक सिटी है, उसमें यूनिवर्सिटी है। और अब मैं फिफ्थ ईयर में फिलहाल, करेंटली हम स्टडी इन फिफ्थ ईयर। तो और लाइक हमें काफ़ी टाइम तो ऐसा बोल रहा था कि बॉर्न हो सकता है, बट हमें यूनिवर्सिटी ने अलाउ नहीं किया जाने के लिए। मतलब एडवाइजरी जारी होने के बाद उन्होंने कहा कि अपने रिस्क पर ट्रैवल कर सकते हो, क्लासेस का मिस जो होगा वो तुम्हें बाद में आके आना पड़ सकता है जल्दी। तो लाइक अलाउ नहीं किया। देन हम लोगों ने फ्लाइट की ओडेसा से, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर था, एडवाइजरी दो बार आ गए थे। देन हम लोग कोविड सिचुएशन काफ़ी बेटर था अभी, मतलब जिस जोन में हम रहते थे वहाँ पे कोविड सिचुएशन नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था, क्लासेस, मॉल, रेस्टोरेंट, सब लाइब्रेरी वगैरह सब नॉर्मल था वहाँ पर। देन वी ट्रैवल टू ओडेसा, हमारी फ्लाइट थी। तो जब हम पहुँच रहे थे सुबह को 4 बजे, हमें मतलब हमारे सीनियर्स जो खार्किव में है, सिचुएशन बहुत ख़राब है, वो छत्तीसगढ़ से है वो, तो वहाँ पे उनका कॉल आया, उन्होंने बताया कि सिचुएशन बहुत ख़राब है और ओडेसा ब्लैक सी का बॉर्डर है। तो लाइक वो इट वॉज देयर फर्स्ट टारगेट टू बी कवर्ड, तो हो सकता वो उस वो हाई अलर्ट पर था ओडेसा। तो जब हम पहुँचे देन हमें मेल आ गया कि हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गया, बट वी स्टिल थॉट कि मे बी गवर्नमेंट कुछ हेल्प करेगी, तो हम एयरपोर्ट ट्रैवल कर लिए। बट जब हम एयरपोर्ट ट्रैवल किए तब हमें पता चला कि वहाँ पर सिचुएशन और ख़राब है, लाइक वहाँ पर आर्मी लाइन कर रही थी, तो हमें वहाँ से हट भेज दिया गया। फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स करके हम लोगों ने एक अपार्टमेंट लिया। बट मतलब फेट इतना बेकार था कि जो हमारा अपार्टमेंट था वो पोर्ट से पोर्ट पे, तो लाइक उधर वो एरिया फिर हायर बस बाबा सायरन बज रहा था, और लाइक टैंक का हमारे फ्लैट अपार्टमेंट के नीचे थे। और खाना मैम हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोग शिफ्ट हो रहे थे, हम लोग काफ़ी सारा हमारे पास कुछ मतलब हम लोगों ने फंड मंगवा लिए थे घर से, वे अरेंज थे कैश, और देन हम लोगों ने विड्रॉल करा के वहाँ से खाना पूछा। हम लोगों ने 4-5 दिन का ब्रेड और मतलब स्नैक्स वगैरह लेकर रख दिया था, और अपार्टमेंट रुक के हम 6 लोग हो गए थे, हम लोगों ने बुक कर दिया था, हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। बट और सिचुएशन लाइक वॉज गेटिंग वर्स एंड वर्स, नॉट हमारे एरिया में, हमारे एरिया हाई अलर्ट है, वहाँ पे कुछ हुआ नहीं था, खाली और टीम में बहुत ज़्यादा। बट जब वहाँ पे सायरन बजा तो हमें बंकर में शिफ्ट होने दिया बॉम्ब शेल में। बट किस्मत से जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे बस हो गई थी, तो वी कैच द बस एंड देन हम लोग चलो इसकी क्रॉस करके हो गई बॉर्डर क्रॉस में। देन 24 आवर्स का स्ट्रगल के बाद हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, एंड देन बस पकड़ के हमें कैरेंट से दुबई। वहाँ से फिर इंडियन गवर्नमेंट ने हैंड ओवर किया, मतलब हमें मतलब वहाँ से उसके बाद उन्होंने संभाल लिया, उसके बाद हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई।